नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। हरिद्वार में बदमाशों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलौर और दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर मौजूद ढाबे देर रात अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर फरार हो गए हैं वहां पर, और फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की सूचना के बाद ही मौके पर ही सीओ मंगलौर और कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाने में लगे, और पुलिस ने मौके से कस्तूर के खाली खोके बरामद किए हैं और घटना के बाद मौके पर टीम भी पहुंची है। बता दें आपको, फॉरेंसिक टीम पूरी घटना की छानबीन जुटाने में लग गई है, और सीओ पंकज कुमार गैरोल का कहना है कि देर रात ही सूचना मिली कि हाईवे के पास ढाबे पर अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई है और गोली का निशान ढाबे पर मौजूद है, और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस पूरे घटना की जानकारी जुटाने में जुट गई है। हालांकि फायरिंग में किसी को नुकसान नहीं हुआ है, फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया है। मामले की जाँच लगातार जारी है। मामला, हम तो रात लगभग 10:40 करीब यहाँ अपने ढाबे बैठे हुए थे, तभी एक गोली चली, वो सीधा काउंटर पे लगी। बच्चा काउंटर बैठा हुआ था, उस छूते भी निकल गई। फिर एक गोली और चली, पहले तो मालूम ही नहीं हुआ क्या हुआ। जब बच्चे फिर वो अंदर घुसे एकदम कि अब्बा गोली चली है इधर से, तो ऊपर पुल से कोई आए, उन्होंने गोली चलाई। दो मिली कि डिलाइट ढाबा, ये हमारा अबुल कलाम चौक फ्लाईओवर के नीचे है, इस पर इसके फायर होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। तो इसमें जो इनके मालिक हैं, इन्होंने बताया कि इस पर इनका बेटा यहाँ पे काउंटर पर बैठा हुआ था, अब इस पर एक फायर हुआ है, इससे किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है। फायर में गोली शीशे पे लगी हुई दिख रही है। इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुँच कर सारी तफ्तीश कर रही है। FSL की हमने अपनी टीम जो हमारी साइंटिफिक एविडेंसेज है वो हम इकट्ठा कर रहे हैं। सितारगंज श्री श्याम प्रभु खाटू वाले बाबा के जन्म उत्सव पर भव्य निशाना यात्रा महाराज अग्रसेन धर्मात्म ट्रस्ट के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गाजे बाजे और बाबा श्याम के जयकारों के साथ प्रारंभ हुई है, और यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए सनातन धर्म मंदिर यात्रा का विधिवत समापन हुआ है। बाबा श्याम के भक्तों ने बताया है कि आज श्याम बाबा खाटू वालों का जन्म उत्सव है, और श्याम प्रेमियों ने यह भी बताया है कि बाबा श्याम के निशान यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। विशाल जागरण में भी बाबा के भजनों का सुंदर गुणगान होगा, और निशान यात्रा में विधायक प्रतिनिधि उमा शंकर, शहर के ही गणमान्य लोग मौजूद रहे। वही कार्यक्रम संयोजक महेश मित्तल ने बताया कि निशान यात्रा एक तरह की पदयात्रा होती है, और इस यात्रा के अंतर्गत भक्त अपनी श्रद्धा से अपने अपने घर से भी शुरू करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि पैदल निशान यात्रा करके श्याम बाबा को निशान चढ़ाने के बाबा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति में ध्वज को विजय का प्रतीक माना जाता है, और श्री श्याम बाबा के महाबलिदान शीश दान के लिए उन्हें निशान चढ़ाया जाता है, जिन्होंने बता दें कि धर्म को लेकर ही जीत के लिए दान का अपना शीश ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था। है और शाम भक्तों का सैलाब सड़कों पर उतर आया है। बाबा श्याम की जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है, और बाबा श्याम की जो ये निशान यात्रा है, ये रिंगस से प्रारंभ होकर के खाटू श्याम धाम जाती है, और इसी निशान यात्रा को यहाँ पर हम लोगों ने प्रारूप दिया है। आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ और बच्चे जो है जैसे निशान के नामों के साथ इसमें भागीदारी कर रहे हैं। मैं श्याम बाबा के जन्मदिन पर सभी श्याम भक्तों को, सभी धर्म प्रेमियों को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा श्याम का आशीर्वाद सभी पर सदैव बना रहे। चमोली के विकास खंड देवाल में ही पिछले साल 13 अक्टूबर को मानमती गांव की ही पिंकी की हत्या का आरोपी की एक साल बाद गिरफ्तारी हो जाने के बाद आज आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा पुष्टि करने पर पिछले 23 दिनों से धरना आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से कुछ मांगों की गुहार लगाते हुए ज्ञापन भेजा है, और आपको बता दें कि आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा कर दी गई है। बताते चले कि 2 नवम्बर को ही हत्या आरोपी की गिरफ्तारी करने के
बाद पुलिस ने 3 नवंबर को उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था और जिसके बाद से ही आंदोलनकारियों में गुस्सा शांत होकर कुछ संतुष्टि बनी है और आज उन्होंने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 23 दिन से कुमारी पिंकी हत्याकांड के आरोपी को फांसी दिलाने गिरफ्तार करने के लिए हम लोगों ने ये यहाँ पे धरने पे बैठे थे और आज हमारे धरने के भारी दबाव के बाद आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है और इसीलिए हम सब लोगों ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि फिलहाल हम इस धरने को स्थगित कर रहे हैं, अग्रिम रणनीति तक स्थगित कर रहे हैं और इस बीच हमारी मांग है कि आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको फांसी की सज़ा दी जाए और हमारे जो खिलाफ रामजी पिंकी के जो पिता हैं वो क्योंकि एक अत्यंत गरीब परिवार से हैं और हम सब लोगों को अंदेशा है कि अभी भी धन बल के प्रयोग से आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही होगी या की जाएगी, इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि उनको आर्थिक सहायता दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए ताकि वो कानूनी लड़ाई को भी आगे लड़ सकें। और कल हमें यह सूचना मिलती है और खबर की पुष्टि होती है कि आरोपी गुलाब सिंह जो नामजद हत्यारा था उसकी गिरफ्तारी हो जा गई है, तो इसलिए हम अग्रिम रणनीति तक जो धरना को स्थगित करते हैं और इस दौरान तमाम मीडिया कर्मियों ने जो हमारी न्यूज को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाया गया और सरकार के कानों तक पहुंचाया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं तक हमारी बात पहुंची है। धन्यवाद जी। जो आज का हमारा ये स्थगित करने का कार्यक्रम है जो 23 दिन से हम लोग धरने पे बैठे हैं, उसको हम लोग अपने कुछ मुद्दे पर कुछ दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। अगर हमारे इन बिंदुओं पर चर्चा नहीं होती है, परिचर्चा नहीं होती है, तो हम फिर से ये धरना जारी रखेंगे और सरकार प्रशासन से निवेदन है कि वो अपना पूर्ण रूप से सहयोग दें और हमें जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें ताकि हम लोग संतुष्ट हो पाएँ। अगर ये कार्रवाई जल्दी से शुरू नहीं होती है, अगर इस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाता है, तो फिर से हम धरने पर बैठेंगे और फिर आगे कार्रवाई की रणनीति जो होगी उसको तय करेंगे। पिछले 23 दिन से ये पिंकी के हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए इस मांग के साथ ये धरना कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था और इसी धरने के दबाव में, जन आंदोलन के दबाव में पुलिस ने हत्या अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए आज सारे आंदोलनकारियों की राय से ये धरना आगे के कुछ समय के लिए जो है स्थगित किया जा रहा है और आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें स्पष्ट रूप से चीज़ें लिख दी गई हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चले, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए सरकार द्वारा और जो रतगाँव के वीरेंद्र कुमार हैं और जो सणकोट की लक्ष्मी है उनके हत्यारों को भी अगर अविलंब गिरफ्तार नहीं किया जाता तो क्षेत्रीय जनता तहसील थराली में अविलंब आंदोलन पर बैठने के लिए बाध्य हो। 23 दिनों से पिंकी हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो ये धरना अध्यक्ष सेन देवाल में चल रहा है, एक सूत्री मांग को लेकर था कि गिरफ्तारी हो हत्याभियुक्त की और कल 22वें दिन में हमको खबर मिली है, पुष्ट खबर मिली है कि उस हत्याभियुक्त को पकड़ करके जेल भेज दिया गया है। तो चूँकि हमारी पहली मांग पूरी हो चुकी है इसलिए आज इस धरने को अग्रिम आगे की रणनीति को बनाए जाने तक स्थगित किया जाता है और साथ में अग्रिम रणनीतियों के जो पार्ट हैं, मांग हैं, बिंदु हैं, वो 3 बिंदु और हमारे पास रहेंगे। एक तो मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, त्वरित उसको जो है उचित कानूनी जो दंड है वो दिया जाए। नंबर 2, पीड़ित परिवार को पिंकी के पीड़ित परिवार को जो है 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। और तीसरा और एक महत्वपूर्ण मांग हमारी ये है कि जिस तरह से पिंकी की हत्या हुई उसी तरह से जो है हमारी वाण गांव की एक बहन लक्ष्मी सणकोट गांव नारायण बगड़ के अंदर भी आई थी, उसकी हत्या हुई है, उसके हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए
और बीरेंद्र राम जी की लोहाजंग में जो है संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है, मतलब मृत्यु उसको मारा गया है, उसके हत्यारों को भी गिरफ्तार किया जाए। उधम सिंह नगर जिले के ही किच्छा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्र पुल भट्टा में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। हल्द्वानी में ही आपको बता दें कि कुमाऊ ज्वेलर्स के स्वामी के पुत्र पर फायरिंग की घटना के मामले में फरार चल रहे आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। पुल भट्टा थाना अंतर्गत 12 ग्राम में ही बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने गन्ने के खेत में दबोच लिया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद अन्य बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को सितारगंज के प्राथमिक उपचार के बाद जिला मुख्यालय में मौजूद निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है और पकड़े गए बदमाश की पहचान बाजपुर क्षेत्र निवासी गुरदीप सिंह के रूप में हुई है। एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पुलभट्टा थाना अंतर्गत ग्राम बर्रा क्षेत्र में ही कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया है और पुलिस ने ही टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद बदमाश लगातार फायरिंग करते रहे। इस बीच पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर सितारगंज के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि मौके से फरार हुए बदमाशों को पकड़ने के लिए सीमा को सील करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। कुलबट्टा के भरा क्षेत्र में सूचना मिली थी कुछ संदिग्ध बदमाशों की, तो उन बदमाशों के द्वारा जब इनको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, इनको चैलेंज किया, तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, इन्होंने फिर फायर किया, तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है और जिसको प्राथमिक उपचार के लिए सितारगंज ले जाया गया था और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। और बाकी इनके साथ जो कुछ बदमाश थे जो और अंधेरे का फायदा उठा करके भागे, उनकी चेकिंग के लिए कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर, बॉर्डर सील किए गए? हाँ, सभी प्रकार से चेकिंग कराई जा रही है कि बॉर्डर से भी एग्जिट कर सकते हैं और बाकी जो जो इनके भागने के रास्ते होते हैं, संदिग्ध रास्ते, उन सभी को चेकिंग कर रहे हैं। सर, जो बदमाश घायल हुआ, सर इसके बारे में कुछ पता चला कि ये हल्द्वानी वाला जो कांड है उसको लेकर कुछ पता है? इसमें सभी एंगल्स पे इसमें डिटेल्स इकट्ठी जा रही है और जैसे ही हम लोगों के पास डिटेल्स आते हैं हम लोग कुछ शेयर करते हैं। पिछले 12 दिनों से उत्तराखंड में कई रीति रिवाजों के साथ मनाई जाने वाली दीपावली के अंतिम दिन उत्तराखंड का लोकार्पण इगास दीपावली के लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाया है। इस अवसर पर ही लोगों ने अपने इष्ट देवी देवताओं, प्रकृति और पालतू पशुओं की पूजा अर्चना कर उन्हें कई प्रकार के पकवान खिलाकर सुख और शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। आज सुबह से ही बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं ने घर और मंदिरों को सजाने के लिए घर के नाना प्रकार के ही फूलों की मालाएं बनाई और गोवंशों को भी आज के दिन फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। महिलाओं ने घरों और मंदिरों में रंगोली सजाकर चार चांद लगा दिए हैं। बता दें कि आज की रात को ही बहुत से गांव में लोग लड़कियों से बनाए हुए, लकड़ियों से बनाए हुए विशेष तरह के मशाल, जिसे स्थानीय भाषा में भैलो बोलते हैं, और गेंदुआ बोलकर ढोल दबाव की विशेष थापी पर नाच किया जाता है। ये हमारी परंपरा, गांव की परंपरा बहुत पुरानी है। यहाँ हमारा जो देव है हमारे गाँव में, ये पांडव देवता है और पहले हर तीसरे साल हुआ करती थी ये नृत्य, लेकिन अब समय के अनुसार हो ही रहा है काफ़ी समय से। लेकिन प्रतिवर्ष आज एकादशी के दिन, प्रबोधिनी एकादशी के दिन, ये परंपरा है हमारे गांव की। जितने भी हमारे पांडव देवता हैं, जितने भी पशुआ हैं, ये अवतरित होते हैं, लोक नृत्य होता है, देव नृत्य होता है और मंदिर में पूजा होती है, प्रांगण में पूजा होती है। जैसे कि हमारे कृष्ण के पशुआ ये श्रीमान जी हैं और ये अवतरित होते हैं श्री कृष्ण के रूप में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।